आधे से ज्यादा सब पहचानते हैं, रेगुलर है। एक कलर थेरेपी के ऊपर अपन पहले बात कर चुके हैं। पहले जो बात किया है उसको थोड़ा कम रिपीट करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी है और जो बात हुई है वो ऑलरेडी YouTube पे भी है और आर्टिकल भी मेरे ख्याल से अपलोड किया हुआ है हेल्प लाइब्रेरी में। आज उसको साथ में मिला के थोड़ी अलग बात अपन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें लास्ट टाइम में कलर और वास्तु को ज्यादा करके रिलेट किया था। आज अपन बात करेंगे डिसीजेस और कलर्स और बेसिक व्हाट इज द कलर एनर्जी है, उसके ऊपर अपन थोड़ा सा आगे बात करें। कलर के बारे में हम सभी जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश, सूर्य की जो रोशनी है, अगर वो प्रिज्म से टकरा करके वापस जो रिफ्लेक्ट करती है तो वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आगे बढ़ती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बदलती है उसके हिसाब से उसके कलर के रिफ्लेक्शन हमको मालूम पड़ते हैं। इसमें जो सबसे हॉट कलर है वो रेड कलर है। ये ऐसी चीजें आप सब लर्नेड लोग हैं और जानते हैं। और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी में जो है वो वायलेट कलर है। दिस इज द जर्नी बिटवीन रेड एंड वायलेट कलर। ये कूलेस्ट एंड हॉटेस्ट, पानी का ग्लास लेते हैं और उसके ऊपर अपन वायलेट कलर का जेलेटिन लगा देते हैं, तो अगर उसको यहां 2.5 मिनट लगते हैं पानी को गर्म होने में, तो यहां 1 मिनट लगेगा जस्ट यूजिंग द जेलेटिन ऑफ दैट कलर। इसीलिए किसी भी कमरे में आप घर में जाएंगे तो आपको रेड कलर के रूम्स नहीं मिलते। एक पोर्शन में रेड लगा देते हैं क्योंकि रेड इज सो हॉट कि अगर आप कंटिन्यूअसली लाल कलर देखेंगे तो एग्रेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हम जानते हैं, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है। ऐसा मानते हैं कि ऑल द एनर्जी आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर एनर्जी राइट द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इज फ्रॉम साउंड एनर्जी। तो कलर एनर्जी उसी में से एक एनर्जी है और जेम्स जिनको हम बोलते हैं, दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कलर एनर्जी। जेम्स इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ कलर एनर्जी, इस तरह हम मान करके चलते हैं। इसी वजह से और जो जेम्स वगैरह यूज करते हैं जो भी एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसके अपने साइंटिफिक बैकग्राउंड है। एक चीज हम सभी जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिस कलर को एब्जॉर्ब करके बाकी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, जो एब्जॉर्बिंग कलर है उस कलर का वो हमको दिखाई देता है। जहां तक जेम्स का सवाल है और प्लेनेट की वाइब्रेशंस का सवाल है, इसको मैंने आपको बताया था, इसमें रेड के अंदर रेड ट्रेविस की जो फ्रीक्वेंसी वेव्स है वो है 36,000 वेव्स इन ए इंच, 6,000 है सॉरी, क्योंकि इसकी है 39,000 वेव्स इन ए इंच। नहीं, इसकी थोड़ी रॉन्ग हो रही है, इट इज फार लेस। लेकिन दोनों में इतना फर्क है, पूरा चार्ट है उसका, अपने को कितनी वेव्स उसमें आती हैं। आपको देखना है चार्ट वो। .458 के सामने 12 0 लगा दीजिए,
This is the frequency. Red vibrates 450 with 12 zeros times per second. ये 450 रेड का है. रेड की दो फ्रीक्वेंसीज हैं 458, 471. येलो 506, दैट इज 12 जीरोस. ग्रीन 577. Blue 622, Indigo 658, Violet 727, and Extreme Violet 789 + 12 zeros. ये जो मैंने आपको बताया था, रेड वाइब्रेट्स 39,000 इन इंच एंड वायलेट वाइब्रेट्स 60,000 इन ए इंच. दिस इज द वेव्स of red and violet, 39,000, and this is violet 60,000. मैंने आपको बताया कि red अगर इसको एक मिनट लगता है जिलेटिन अगर आप रख देते हैं सनलाइट में, तो ये एक मिनट में अगर ढाई मिनट के अंदर अगर गर्म होगा पानी, उतना ही पानी उसी टेम्परेचर पे रेड कलर अगर रखाएंगे तो एक मिनट में वाइब्रेट अपना उतना ही टेम्परेचर उसका मिलेगा. उसके साथ लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि यू कैन ट्रांसफर रेड कलर एनर्जी इनटू मैग्नेट एनर्जी. उसके लिए मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी करने के लिए बोला था, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं. आप एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स के अंदर के साइड में आप ब्लू कलर कर दीजिए, ब्लू पेपर लगा दीजिए, ऊपर यहां पेपर लगा दीजिए, और पेपर में टांचनी जो आती है ना पेपर अटैच करने के लिए, अगर हम वो उसके अंदर ऐसे डाल देते हैं और इसको रेड कलर से कवर कर देते हैं, तो सनलाइट से ये पिन मैग्नेटिक हो जाएगी. This is the transformation of color energy into magnetic energy. निकाल दिए, चलेगा? ये जो चार्ट आप यहां देख रहे हैं ये ऑलरेडी यूट्यूब ना हेल्प लाइब्रेरी में अपलोड किया हुआ है. इसके ऊपर मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि ये वहां आप देख सकते हैं आराम से. इसको छोड़ करके इसमें क्लियर कट दिया हुआ है. अभी हम सभी जानते हैं कि बिटवीन रेड एंड वायलेट ग्रीन इज द मिडिल कलर, कूलिंग कलर एंड नेचुरल कलर, और विजिबल कलर और कॉस्मिक कलर में डिफरेंस है. जैसे अभी डायमंड है, डायमंड का ट्रांसपेरेंट कलर कोई मानते नहीं है, ट्रांसपेरेंट है उसका कोई कलर नहीं दिखता, लेकिन उसका कॉस्मिक कलर इंडिगो है. उसी तरीके से टोपेज है, वरना अपन पुखराज जो बोलते हैं, पुखराज अपने को येलो कलर में दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली उसका जो कॉस्मिक कलर है वो ब्लू कलर है.
तो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज के वेस्टर्न कंट्रीज की बुक्स हैं उसमें पुखराज को जो बोला येलो सफायर को उसको ब्लू कलर ही बोलते हैं, भले उसका विजिबल कलर येलो हो। तो इस तरीके से जो जेम्स हैं, आज मैं बात करना चाहता हूं वो जेम्स और वो किस डिसीज से उसकी रिलेशन है, उसका मैं आपको एक चार्ट देता हूं। आप वो चार्ट अपने पास तो रिजर्व अपने रख सकते हैं। वो चार्ट के ऊपर से अपन बात करेंगे कि कौन कौन से जेम्स, जो जेम्स हैं दो तरीके से यूज करते हैं। जैसे अगर सपोज एक आध बच्चा अमावस की रात को जन्म लिया है तो उसको चंद्र की वाइब्रेशंस नहीं मिली, तो उसको कलर की कौन सी उसकी डिफिशियंसी होगी, कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी उसको। अगर उसको चंद्र की वाइब्रेशन नहीं मिली तो उसको कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए अगर उसको मोती पहनाते हैं तो वो उसकी कैल्शियम की डिफिशियंसी को कवर कर लेता है। तो इस तरीके से जो जेम्स है, तो जेम्स के नग पहनने कौन सा, वो जनरली आपको एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि कौन सा इस वक्त आपकी गोचर के अंदर क्या दशा चल रही है, आपका लग्न कौन सा है, उसके हिसाब से आपको कौन सा जेम्स पहनना चाहिए। लेकिन जो जेम्स के जो यूज है, मेडिकल यूज है, मेडिकल यूज में जेम्स को उसको भस्म के रूप में, एशेस के रूप में यूज करते हैं, बरोबर है। तो जो एशेस के रूप में यूज करते हैं, तो कौन सा जेम्स का एश कौन सी बीमारी में अपने को मदद कर सकता है, वो मैं एक एक चार्ट आपको देता हूँ। यू कैन गेट इट एनी आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप, आयुर्वेदिक, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। फॉर्मेशन ऑफ एशेस फ्रॉम द जेम्स इज द पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। So you can get the medicines made of the ashes, and I have given only the gems medicines over ashes, about difference over here, but metal ashes are also available. जिसको बोलते हैं अपन स्वर्ण भस्म करके बोलते हैं ना, जैसे स्वर्ण भस्म है, लौह भस्म है म्हणजे आयरन का हो गया, रजत भस्म है म्हणजे चांदी का हो गया, कॉपर का है। इसी तरीके से जिस मेटल की डिफिशियंसी बॉडी में होती है तो उसको एशेस के रूप में मेडिसिन में देते हैं। यहाँ पे मैंने कलर लिया है, इसके लिए कलर के लिए मैंने जेम्स को ही लिया है। तो जेम्स के हिसाब से आप, जैसे रूबी का है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि चंद्र का जो इफेक्ट है, मून का जो इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट है, बरोबर है। तो कूलिंग इफेक्ट के अंदर जनरली चंद्र की के रिवर्स में मेडिसिन देते हैं, लेकिन मैं, हमारी जो संस्था है वो अस्थमा की मेडिसिन देती है शरद पूर्णिमा के दिन लेने के लिए। एक आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन है और वो मेडिसिन को दूधपाक में बना, उसका दूधपाक बना करके दूधपाक को चांदनी रात में रखते हैं, अखी रात को रख करके सुबह में 4 बजे उसमें वो मेडिसिन मिला करके, और एक डोज अगर उस वक्त ले लिया पेशेंट ने तो बहुत से लोगों के पंप छुड़ा दिए हैं अस्थमा के उस मेडिसिन में। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि चंद्र की डिफिशियंसी में अस्थमा होता है, उसके लिए गर्म मेडिसिन देनी चाहिए। यहाँ पे उसी को काउंटर करने के लिए चंद्र की किरणें दी गई हैं, क्योंकि उसमें वो मेडिसिन से ज्यादा चंद्र की जो रेज है, जो फुल नाइट उसको मिलती है शरद पूर्णिमा की, वो उसको काउंटर अटैक करके उसके अस्थमा को निकालने में मदद करती है। तो इस तरह से यहां पर जो एशेज दी, ये रूबी का दी है, ये सन, रूबी मींस सन रेज, कंडेंस फॉर्म ऑफ द सन रेज, दैट इज रेड कलर। तो वहां पर इसको रूबी को यूज किया है। और रूबी की कौन कौन सी है, ट्यूबरकुलोसिस है, कोलिक, बॉयल्स, अल्सर, पेन्स, सारी हॉट डिसीजेस है। इन डिसीजेस को जो काउंटर किया है वो रूबी ने, मतलब जो हॉटेस्ट है इसका, रूबी मींस हॉटेस्ट में आ गया, जो सूर्य का है उससे इसको काउंटर करके मेडिसिन दिए गए। इस तरीके से पूरी की पूरी है, आपको इसमें रूबी का है, उसके बाद में पर्ल्स का है। तो पर्ल्स के लिए, जो मून के लिए जो देते हैं, मींस दैट इज द डिफिशियंसी ऑफ द मून वाइब्रेशन, वाइब्रेशन अपन ने बात किया ही है अभी, डिफिशियंसी ऑफ मून वाइब्रेशन, उसके लिए वो क्या करते हैं, मून का या तो आप नग पहनिए, मोती पहनिए, या फिर आप उसकी एशेज की जो मेडिसिन रेडीली अवेलेबल है अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट, यू कैन टेक द मेडिसिन। दिस इज ओनली द गाइडलाइंस आई एम गिविंग यू, दैट हाउ द कलर्स रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट्स कैन बी हेल्पफुल इन द फॉर्म ऑफ एशेज